आप जरा सोच करके देखो और अपने आप से पूछ करके देखो कि कितनी विचित्र सी बात है कि आदमी जिंदगी में जो है चाहता तो प्यार है, भागता पैसे के पीछे, कामना उसके मन में यह है कि उसको प्रेम मिले, शांति मिले, पर भागता वो संपत्ति और समृद्धि के पीछे। तो आदमी की ये जो दौड़ है वो उसको कहीं लेकर के नहीं जाती। और इसके पीछे का कारण एक ही है कि आज मनुष्य के चिंतन के ऊपर नकारात्मक शक्तियों ने अधिकार कर लिया है। भावना कुछ और है, चाहता कुछ और है, जीवन में कामना नहीं है, उन चीज़ों के पीछे व्यक्ति भागता है। जो चीज़ें कहीं स्थिर नहीं है वो आदमी के मन को डराती हैं, वो शंकाएं, वो कुशंकाएं, वो कामनाएं, वो आकांक्षाएं, जिनका न कोई आधार है, न जिनकी कोई भूमि है, न जिनके पीछे कोई तत्व था, वो आदमी के जीवन के रस को हरण करके ले जाती हैं। आदमी परेशान सा जी रहा है, शंकाओं कुशंकाओं में जी रहा है। कारण क्या है? कारण वही है जो गुरुदेव ने आज से 40 साल पहले लिख करके बताया कि वातावरण के अंदर अंधकार है। सब जगह पर धुआं फैल जाए तो आपके फेफड़े कितने भी मजबूत हों, सांस लेने में तकलीफ होती है। आप कहते रहो नहीं साहब हमको तो कुछ नहीं होगा, हमारे लंग तो बहुत अच्छे हैं। अरे लंग बहुत अच्छे हैं पर सब जगह पर धुआं फैल गया है, सब जगह पर अंधेरा हो जाए तो आपकी आँखें कितनी भी अच्छी हों दिखाई थोड़ी पड़ेगा। वही आज की परिस्थितियों में सत्य है, सब जगह पर वातावरण में नकारात्मकता है। आप कितने भी अच्छे व्यक्तित्व, आपके अंदर कितनी भी बढ़िया ताकत है, आपका चिंतन चरित्र व्यवहार कितना भी मजबूत है, थपेड़े तो लगते हैं। आदमी आंधी और तूफान के बीच में जाकर के खड़ा हो जाए तो कुर्ता तो हिलेगा, कितना भी मजबूत व्यक्ति होगा आदमी का शरीर थोड़ा तो हिलेगा। वैसा ही आज की परिस्थितियों में है दोस्तों, आज आदमी अपने चिंतन चरित्र व्यवहार भावनाओं में कमजोरी को महसूस करता है क्योंकि वातावरण के अंदर अंधकार है। तो क्या करने की आवश्यकता है? रोने की आवश्यकता नहीं है ऐसी परिस्थितियों में। जब अंधकार होता है तो अंधकार से शिकायत थोड़ी कोई करता है कि अरे जाकर के हम आवेदन लिखेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे, अंधकार का डिपार्टमेंट कहाँ है उसको बोलेंगे कि अंधकार थोड़ा कम करो, ऐसा नहीं होता। अंधकार से लड़ने का रास्ता एक ही है कि आदमी प्रकाश को पैदा करे। अंधकार को दूर करने के लिए आदमी के चिंतन में, भावनाओं में, व्यक्तित्व में प्रकाश के अवतरण की आवश्यकता हो जाती है। बस वही आज के समय की आवश्यकता है दोस्तों। जो आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार है उसके पीछे की पुकार एक ही है कि जितनी भी जागृत आत्मा है, जितनी भी जीवंत आत्मा है, जिनको गुरुदेव ढूंढ ढूंढ करके लाया। आप गुरुदेव का अंतिम प्रवचन सुनिए, गुरुदेव ने क्या कहा, मैं इन दिनों में क्या कर रहा हूँ, मैं इन दिनों में हीरों को ढूंढने का काम कर रहा हूँ, उनको ढूंढ ढूंढ करके आ रहा हूँ और उनको गायत्री परिवार के अंदर पिरोता चला जा रहा हूँ। तो वो ढूंढने की आवश्यकता है, वो हीरे हमें क्या, वो पौधे हमें क्या जिनको गुरुदेव रोप करके गए थे। आज का समय है जब उन अंडों को फूटने की आवश्यकता है जिनके विषय में गुरुदेव ने 1988 में लिखा कि शांति कुंज के आंगन के अंदर महागरुण के डैनों के नीचे मैं आने वाले समय के अंडे छुपा करके जा रहा हूँ। आंधी आएंगी, तूफान आएंगे, प्रलय चलेगी, ऐसी घटाएं घटेंगी जैसी आज से पहले नहीं घटी, अंधेरा छा जाएगा, सब हो रहा है। और बोले एक दिन तूफान जो है शांत होएगा, शांति आएगी, तब वो अंडे फूटेंगे। तो जो प्रश्न पूछने की आवश्यकता है, जब ये चित्र आपके पास पहुँचा कि ये गुरुदेव माता जी, दादा गुरु, पूरा का पूरा हिमालय, देव शक्तियाँ, ऋषि सत्ताएँ हमारे घर में क्यों आई, गंगा यहाँ से बह करके निकली और आपके पास क्यों पहुँची, ये चित्र आपके पास क्यों आया है, इसलिए आया है कि आप उसको देखें। तो आप ये सोच करके देखें कि चित्र नहीं आया है, हमारे घर में शीशा आ गया है। हम अपने घर में शीशे की तरह से लगाएंगे और अपने आप से पूछेंगे कि गुरुदेव ने जिस देव मानव की पुकार करी थी वो देव मानव हमें क्या। गुरुदेव हमसे पूछ रहे हैं कि बेटा आप हो क्या वो देव मानव, आपके अंदर वो शक्ति है कि आप खड़े हो सकते हो, जब ये अंधकार आएगा तो आपके अंदर ताकत है क्या कि आप दीपक की तरह जल सकते हो, आप मशाल की तरह जल सकते हो, आप मोमबत्ती की तरह जल सकते हो। ये आपसे पूछा जा रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा है कि आप अपने घर में देव शक्तियों को स्थापित करेंगे कि नहीं करेंगे। अरे आप करेंगे ही, आपके पूजा घर में आ गए हैं भगवान। ये पूछा जा रहा है कि आप उसको बदलने के लिए आज की तारीख में जब सारे संसार में अंधकार छा गया है भगीरथ की भूमिका निभाएंगे कि नहीं। ये पूछा जा रहा है कि ऐसे समय में आपके कंधे मजबूत हैं कि नहीं। देव शक्तियों की जो परीक्षा होती है वो कठिन समय में होती है। जब अंधेरा होता है तभी तो पता चल पाता है कि आपकी टॉर्च में ताकत कितनी है। अंधेरा नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि आपकी टॉर्च में जो सेल लगे हैं वो सही लगे हैं कि नहीं लगे हैं। बस यही पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि आप देव शक्तियाँ हैं, आप देवत्व के प्रतीक हैं, आप गुरुदेव के सृजन सेनानी हैं, आप युग शिल्पी हैं, आप लोक सेवी हैं, ये सारी परिभाषाएं हमारे नाम के साथ जुड़ी हैं। पूछा जा रहा है आंधी चल रही, तूफान चल रही है, अब आप बताओ आप कर सकते हो कि नहीं। गुरुदेव ने कहा कि बेटा हमने आपको आवाज़ लगाई, आप आकर के खड़े हो गए, अब हम आपसे कह रहे हैं कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, कबीरा खड़ा है बाजार में लाठी हाथ में,
जो घर फूके आप नो चलो हमारे साथ, जिसके अंदर ताकत है वो फूके और चले, ये पूछा जा रहा है। गुरुदेव ने जो आवाज लगाई उसको पूरा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।